खुर्जा नगर के एनआरसी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने प्रबंधन समिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे खेल चालू करो। छात्र छात्राओं ने रोज़ स्कूल में साफ सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, तो वहीं क्लास में बिना केमिकल के संचालित करने हुए BA MA की क्लास में प्रयोग में परीक्षाएं लेट कराने, वही क्लास में समय पर प्रोफेसर के नहीं पहुंचने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई नहीं होती है, तो वहीं महाविद्यालय परिसर के अंदर प्रयोग में परीक्षाएँ भी लेट हो रही हैं। कक्षा के अंदर प्रोफेसर व अध्यापक लेट पहुंचते हैं, जिस कारण प्रयोग में परीक्षाएँ भी लेट होती हैं। छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था भी सही नहीं है, जहां साफ सफाई की व्यवस्था भी कमी नज़र आती है। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए। सूचना पर पहुंचे SDM दुर्गेश सिंह ने छात्र छात्राओं की बात को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान छात्र छात्राओं ने SDM खुर्जा दुर्गेश सिंह को 12 सूत्रीय ज्ञापन देकर कहा कि स्कूल प्रबंधन जल्द से जल्द समस्या का समाधान करे, अन्यथा प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। खबर UMS न्यूज खुर्जा। मेरा नाम नीतिकार। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या यही है कि पहले तो क्लास नहीं चलाते हैं, और जब क्लास चलाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल बहुत लेट हो जाता है, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सबसे स्लो चलता है हमारा, ग्रुप में भी हर एक चीज़ में स्लो चलता है। उसके बाद में हमारा केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो 4th सेम का अभी तक कराया नहीं है। 5th सेम के एग्जामिनेशन फॉर्म निकलने वाले हैं और एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम उसकी तैयारी करेंगे प्रैक्टिकल की, या हम एग्ज़ामों की तैयारी करेंगे 5th सेम की। तो पहले तो ये फास्ट कराइए और टाइम से कराइए हर एक चीज़। और सबसे यही तो मेरा ये एक और परेशानी है कि ये वॉशरूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहता है। आज विरोध कर रहे हैं आप, ये किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा 1st और 2nd सेम अच्छे से क्लियर हुआ था, और हम खुद डिपेंडेड हैं कि हम अच्छे से पास कर पाए, मतलब कर पाए हैं। और अब भी हमें भरोसा था कि हम 3rd सेम में अच्छा रिजल्ट लाएंगे, लेकिन हमारी बैक लगा दी गई है। सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4, 15-15 नंबर दिए हैं बस केमिस्ट्री में, और हमें पास कराया जाए, हम ये चाहते हैं। और ये बैक वगैरह जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनकी आनी ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हमारी बैक आए, हमें बुरा लगता है। हम एक एक पैसा जोड़ जोड़ के हम यहाँ पे आए हैं, उसमें भी ये कभी 50 बढ़ा देते हैं, कभी 100 बढ़ा देते हैं। टैक्स 940 एग्ज़ाम फी वो लेते हैं, हमारे 1250 रुपये लेते हैं एक बैक फॉर्म पे। और एक और चीज़ है सर, मैंने अपनी परेशानी मैम को बताई, मैं मैम के पास आई, मैम ने कहा बेटा मैं आज नहीं मिल सकती, मैं आपको मंडे में मिलूँगी। जब मैं मैम के पास आई तो मैम ने कहा मैंने कब आपको बुलाया, मैम ने साफ बोला ये लड़की मेरे साथ थी, इसे पूछो, मैम ने डायरेक्ट झूठ बोल दिया। मैम ने हमसे ये भी बोला था कि सीधा यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी जाके हम क्या करें। मेरा नाम रघु ठाकुर है। विरोध प्रदर्शन का मामला ये है कि कॉलेज में हमारे जो BSc के छात्र हैं, मेन रूप से उनकी समस्या है। समस्या ये है कि इनके प्रैक्टिकल लेट कराए गए, प्रैक्टिकल लेट कराए तो यूनिवर्सिटी नंबर लेट पहुँचे, जिसकी वजह से रिजल्ट लेट आया, रिजल्ट लेट आया तो इनके जो बैक के फॉर्म है वो निकल गए।
अब ये यूनिवर्सिटी की और मैनेजमेंट की और विद्यालय की गलती है कि इनके प्रैक्टिकल क्यों टाइम से नहीं कराए। जब प्रैक्टिकल इनके छूट गए हैं, प्रैक्टिकल छूटने के बाद इनकी क्या गलती है? ये बच्चे फेल है गए, ना तो ये अगली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, ना बैक फॉर्म भर सकते हैं। इनकी तो 3 साल बेकार होगी। इनको इन मांग मेन मांग यही है, प्लस 200-300 बच्चे हैं, उनके प्रैक्टिकल नहीं करा रहे टाइम से, उनके प्रैक्टिकल कराएं। ना केमिस्ट्री लैब में कोई सामान है, तो जब सामान नहीं है तो प्रैक्टिकल कहाँ से होंगे? बाकी कॉलेज की दुर्दशा मैंने आपको दिखा दी है, आप फोटो के माध्यम से। इतनी गंदी स्थिति है कि क्लासों में यहाँ जगह पर मल पड़ा है, शौचालय यूज़ करने लायक नहीं है, लड़कियों के शौचालय बेहद गंदे हैं, और हॉस्टल में सांप निकल रहे हैं, और कोई क्लास टाइम से चल नहीं रही है। बाकी ये बहनें ये बताएंगी अपनी समस्या, इनकी मेन समस्या। शिकायत भी करी थी जी? मैं एक महीने से ज्ञापन दे रहा हूँ, सबकी रिसीविंग है मेरे पास में। SDM साहब के यहाँ भी शिकायत होगी और यहाँ भी शिकायत होगी। नहीं, कोई नहीं है, बस इनकी तानाशाही चल रही है, काम कराना नहीं है। मैं आप सभी पत्रकारों से भी निवेदन करूँगा, एक एक क्लास में जाकर कॉलेज की स्थिति लाइव दिखाएं सभी को, जो इनके गार्जियन सबको क्षेत्रवासियों को पता चले कि जिस स्कूल में हम पढ़ने भेज रहे हैं महाविद्यालय में, उस महाविद्यालय की स्थिति क्या है। अगर ये संज्ञान नहीं लेते तो क्या? मैं तो भूख हड़ताल पर बैठूंगा जी, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे जो हो जाए, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा।